उधर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बहाल होने पर पिछड़ा वर्ग समाज सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का सम्मान करेगा। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में सीएम निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आज भोपाल से है। आज सीएम का और वीडी शर्मा का सम्मान होना है। ओबीसी वर्ग की ओर से दरअसल ये सम्मान किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ओबीसी वर्ग सम्मान करेगा। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया इस खबर पर जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। प्रभु जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा का सम्मान होना है। ओबीसी वर्ग खुश है जो सरकार ने कदम उठाया, सरकार ने जो पहल की और सरकार ने जो कोशिश की उसको लेकर? देखिए परा, कहीं से कहीं गम वाली स्थिति है ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में। स्वाभाविक तौर पर जो आरक्षण 0% हो गया था, मतलब जो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव है यहाँ पर ओबीसी वर्ग का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, उसको राज्य सरकार ने मोडिफिकेशन याचिका लगाकर अपने तर्कों के जरिए कोर्ट को कन्विंस किया और कोर्ट ने पुराने आधार पर जो आरक्षण की अनुमति दी है। तो एक तरीके से ये कहें कि जनरलाइज तौर पर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण मिलेगा। जो पहले, यदि हम आज 10 मई के जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का उसके आधार पर देखते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला था। एक तरीके से कहें कि ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा फैसला है जो सरकार के प्रयासों से हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर खुशी का भी माहौल है और ओबीसी वर्ग के लोग इसी को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार जताने के लिए सम्मान समारोह कर रहे हैं। दूसरा पक्ष इसका यह है कि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 27% ओबीसी आरक्षण कमलनाथ सरकार ने देने की बात की थी, चाहे नौकरियों में हो चाहे चुनाव में हो जी। वो पूरा मामले को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में आज ओबीसी महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में खासा प्रभाव इसका कई जगह पर दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं छुटपुट प्रभाव है, कहीं बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। एक तरीके से दोनों पक्ष हैं इसमें, चाहे वो आरक्षण को मिलने से खुशी भी है क्योंकि बिल्कुल नहीं मिल रहा था, 0 से 14% या कहीं पर इससे ज्यादा भी मिल सकता है जिस तरीके की सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है आयोग की सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला है तो यदि हम देखें तो कहीं पर बहुत ज्यादा आरक्षण मिलेगा, 27% से भी ज्यादा कहीं पर मिलेगा, कहीं कम मिल सकता है। जो अभी चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रिया तय करनी है, अभी ये केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कहीं ज्यादा कहीं कम मिलेगा। लेकिन जनरलाइज ये कहें तो ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं, खुशी की बात ओबीसी वर्ग के लिए ये है जिसके प्रति मुख्यमंत्री के प्रति लोग आभार जताने के लिए सीएम हाउस में इकट्ठा हो रहे हैं। प्रभु जी, क्या सरकार की कोशिश ये भी हो सकती है सम्मान के जरिए बताने की, संदेश देने की कि दरअसल ओबीसी वर्ग इससे खुश है क्योंकि विरोधी विपक्ष में है इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं? स्वाभाविक तौर पर पराग यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से आरक्षण बहाल हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर उस वर्ग के लोगों में खुशी है और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसके तहत लोग जगह जगह से इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस तरीके से खुशियां मनाने का क्रम भी चल रहा है। और ये एक तरीके से ये बताना है कि उनका जो 0% आरक्षण हो गया था, मतलब आरक्षण शून्य चुनाव जो होने थे, तो हम वहां तक ले आए हैं कि अब आरक्षण का लाभ उनको मिलता रहेगा। तो उस स्थिति पर ओबीसी वर्ग के लोगों में खुशी भी है, स्वाभाविक तौर पर कुछ ना से बहुत कुछ मिल गया है उनको और जो ज्यादा कुछ चाहिए था उसकी लड़ाई भी एक वर्ग अपने स्तर पर कर रहा। प्रभु जी, इस कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट हम दे सकते हैं अपने दर्शकों को, किस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ओबीसी वर्ग किस तरीके से सम्मान आज मुख्यमंत्री का करने जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ा डोम बना हुआ है, वहां पर एक पूरा आयोजन होना है। पूरे प्रदेश से जो प्रतिनिधि वर्ग है ओबीसी वर्ग के, वो तमाम नेता कार्यकर्ता कई जिलों के लोग वहां पर आ रहे हैं। आभार प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री यहां पर पूरी बात बताएंगे कि किस तरीके से आरक्षण शून्य हो गया था, किस तरीके से वो दोबारा आरक्षण के देश में लेकर आए और किस तरीके से इस पूरे आरक्षण के मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा राजनीति की गई। कमलनाथ सरकार जब थी तो 27% आरक्षण का सरकार ने आदेश जारी कर दिया था, लेकिन उसको लेकर जब हाई कोर्ट में याचिका लगी तो उसके खिलाफ सही समय पर जवाब दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से वो एक्स पार्टे डिसीजन हो गया और उसको खत्म करने का हाई कोर्ट ने निर्धारण दे लिया था। तो इस तरीके के जो तमाम मामले हैं उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की लड़ाई है, ओबीसी वर्ग के लिए सरकार ने जो काम किए हैं, जिस तरीके से उस वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में जिस एक तरीके से ये कहें कि पिछले, यदि भाजपा की जब से सरकार है 2003 से अभी तक, तो
तो मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री ही लगातार पार्टी ने दिया है, तो ये तमाम बातें उस वर्ग के सामने रखी जाएंगी, उनको बताया जाएगा उस वर्ग के कल्याण के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कितना उस वर्ग को जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है। मध्य प्रदेश में अभी तक ओबीसी वर्ग को 14% 27% माना जा रहा था, अब ये सर्वे के बाद ये निकल कर आया है कि ओबीसी वर्ग 50% से ज्यादा है। एक मुश्त तादाद जो ओबीसी वर्ग की दिखाई दे रही है, उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने के प्रयास दोनों दलों की तरफ से चल रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इसमें अपर हैंड है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है सरकार ने, और जिस याचिका को लेकर कई बड़े वकील कह रहे थे कि मॉडिफिकेशन याचिका स्वीकार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां पर सरकार के तर्कों को कोर्ट ने माना और आरक्षण का लाभ फिर से देना शुरू किया, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी खुशी का इजहार यहाँ पर किया जाए। एक सवाल ये भी है कि एक तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि साहब 27% आरक्षण की बात हमने कही थी तो वो तो आप दिलवा नहीं पाए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल थोड़ी सी देरी हुई है, अगर पहले कदम उठाया जाता तो इतना कम से कम पहले ही मिल जाता। पराग वही कह रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है, कमलनाथ की सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार मध्यप्रदेश में हुआ करती थी, जब उन्होंने 27% का आदेश जारी कर दिया था बकायदा, तो उसके बाद जब कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया तो सही समय पर तर्क नहीं रखे गए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप, ऐसा रिकॉर्डेड भी है जी। तो उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है, अब चूंकि सरकार अब भाजपा की है तो कांग्रेस विपक्ष में, तो स्वाभाविक तौर पर दायित्व तो सरकार का, क्योंकि वो भी सरकार का निर्णय था, सरकार को इसमें अपील करनी चाहिए थी, सरकार को निर्णय लेना चाहिए था, तो सरकार 0 से 14% पर ले आई है। मुख्यमंत्री ने ये कह रहे हैं लगातार कि 27% की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, 27% से ज्यादा आरक्षण दिलाने की कोशिश सरकार की रहेगी। जहां तक चुनाव की बात है, इन स्थानीय निकायों के चुनाव की, तो दोनों दलों ने ऐलान कर दिया है कि वो इन चुनाव में अपने स्तर पर 27% से ज्यादा टिकट इस वर्ग के लोगों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर चुनाव क्षेत्र से 2-2 संभावित नाम भी इस वर्ग के बुलाए हैं, जो ओबीसी वर्ग के नाम दे दिए जाएं, जिनमें से वो योग्य प्रत्याशी का चयन कर उसको चुनाव मैदान में उतार सके। तो कोशिश यही है कि जितना कानूनन लाभ मिल रहा है उससे ज्यादा लाभ वो राजनीतिक दल अपने स्तर पर इस वर्ग को दें और उसकी तादाद को बढ़ा सकें, उसका उसकी जो योग्यता है या उनका जो पैमाना है उस पैमाने पर खड़े उतर सकें। बहुत शुक्रिया आपका प्रभु जी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल